गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम देखते हैं क्लास टेंथ का एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। जैसे फर्स्ट आप देख सकते हैं ए की वैल्यू दे रखा है यानी 10 और डी की वैल्यू क्या दे रखा है 4, और हमें क्या निकालना है फर्स्ट कितने टर्म निकालना है, फर्स्ट फोर टर्म निकालना है, राइट बच्चों, यानी एपी का फर्स्ट फोर टर्म निकालते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो एपी का फॉर्म क्या होता है, यानी एपी का फॉर्म क्या होता है बच्चों, सिंपल होता है, यानी ए कॉमा ए टू, आप इसे ए वन ए टू देन ए थ्री देन ए फोर, और इसे ए को तो ए लिख सकते हैं, राइट बच्चों, अगेन ए टू को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस डी लिख सकते हैं, देन ए थ्री को क्या लिख सकते हैं ए प्लस टू डी लिख सकते हैं, और ए फोर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ए प्लस थ्री डी लिख सकते हैं, राइट। ऐसे अगर सपोज कीजिए ए टेन है तो ए टेन को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस नाइन डी लिख सकते हैं, राइट। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, यानी पहले हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी दे रखा है यानी ए, तो ए तो यानी टेन ही आ जाएगा यानी, और ए टू निकालते तो ए टू को क्या लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए क्या दे रखा है बच्चों टेन, प्लस डी क्या दे रखा है टेन दे रखा है, तो इसे प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, राइट। अगेन ए थ्री निकाल लेते, ए थ्री इज इक्वल टू ए प्लस टू डी, तो ए क्या दे रखा है 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 करेंगे क्या आ जाएगा 20, और 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। यहाँ पे आपको बॉडमास रूल फॉलो करना है बच्चों, यानी पहले 10 प्लस 2 नहीं करना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं देन उसके बाद ऑफ करते हैं देन डिवाइड देन मल्टीप्लाई देन ऐड देन सब्ट्रैक्ट। तो पहले मल्टीप्लाई करना यानी 20 प्लस फिर 10 तो 30 आ जाएगा, देन ए फोर्थ को क्या लिख सकते हैं यानी ए प्लस 3d। तो देखिए ए क्या दे रखा है बच्चों, ए 10 दे रखा है प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी 10 प्लस 3 नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई करना, तो 30 देन प्लस 10, तो 10 प्लस 30 क्या आ जाएगा बच्चों 40 आ गया। तो अब यहाँ पे एपी का फॉर्म लिख सकते हैं, पहला क्या आ गया था ए यानी 10, तो 10 कॉमा सेकेंड टर्म क्या आया था 20, तो 20 कॉमा थर्ड टर्म क्या आया था ए 3 यानी 30, और फोर्थ टर्म क्या आएगा तो 40 आ गया था। ओके बच्चों।